हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर कढ़ाई। पनीर कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो से इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है वो आप देख लीजिए। ये हम एक तेज पत्ता लेंगे और ये तीन चार लविंग, अदरक मिर्ची का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट और ये दो बड़े प्याज जिसको हमने पहले पानी में बॉईल कर लिया है, तीन बड़े टमाटर इसको भी हमने बॉईल कर लिया है, कैप्सिकम के टुकड़े, पनीर, किचन किंग मसाला, कश्मीरी लाल मिर्ची, ये ऑरेंज कलर गार्निशिंग के लिए धनिया, और मसाले में हम लेंगे नमक, हल्दी और लाल मिर्च। अब सबसे पहले हम ये पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया है, हम इस ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। ये देख लीजिए हमारा ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा पनीर को शैलो फ्राई कर लेंगे। देखिए हमें इस तरह से इसे शैलो फ्राई कर लेना है क्योंकि ताकि इसका स्वाद सब्जी में कच्चा ना लगे। देखिए ये अब हमारा पनीर भी अच्छे से रोस्ट हो गया। इसे बहुत गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, तो हम इसे बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से पनीर को लाइट गोल्डन कलर में शैलो फ्राई कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई में थोड़ा पैन और एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे और सबसे पहले हम ये जो ये ओनियन बॉईल किए थे पहले हम उसका पेस्ट बना लेते हैं। उसे मिक्सचर में ग्राइंड करके हमारा प्याज का पेस्ट रेडी हो गया। अब हम ये जो हमने टमाटोज बॉईल किए थे उसे भी ग्राइंड कर लेंगे मिक्सचर में। हमारा टमाटो प्यूरी भी रेडी हो गया। अब हमारा ये जो ऑयल हमने कढ़ाई में लिया था वो गर्म हो चुका है। अब हम इसमें सबसे पहले ये तेज पत्ता डालेंगे, फिर ये लविंग के टुकड़े डालेंगे और फिर हम इसमें सबसे पहले ये गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसमें अदरक मिर्ची का पेस्ट डाल देंगे, इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। ये देखिए हमारा अदरक लहसुन मिर्ची अच्छे से भून गया है। अब हम इसमें ये प्याज का पेस्ट डालेंगे पहले और फिर इसे भी हम अच्छे से भूनेंगे। कि हमारा ये प्याज अब अच्छे से भून गया है। अब इसमें हम सबसे पहले तो थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और फिर ये थोड़ा सा ब्लैक पेपर डालेंगे। फिर अब हमने ये जो टमाटो प्योरी रेडी की थी हम उसे डाल देंगे और फिर इसे अच्छे से हिला के भूनेंगे। और फिर अच्छा कलर लाने के लिए हमने ये जो रेड कलर मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में दिखाया था हम इसमें थोड़ा पानी मिक्स करेंगे। ये
पानी मिक्स किया था, इसने अच्छा रेड ऑरेंज कलर पकड़ लिया। अब सिर्फ एक ड्रॉप जितना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, और बाकी का हम इस पनीर को रेड कलर का करेंगे, एक से दो ड्रॉप डाल के, और फिर हम इसे अच्छे से हिला देंगे। ये देखिए हमारा पनीर भी रेड हो गया है और ये ग्रेवी ने भी अपना रेड कलर अच्छे से पकड़ लिया है। और फिर हम ये कैप्सिकम के टुकड़े डालेंगे ताकि वो भी अंदर अच्छे से भून जाए, और ये थोड़ा किचन किंग डाल देंगे टेस्ट के लिए। किचन किंग 2 चम्मच जितना डाल देना है, छोटे 2 चम्मच, और इसे अच्छे से यूं भूनना है। अगर आपको थोड़ा मलाईदार टेस्ट चाहिए तो आप जो दूध के ऊपर की मलाई होती है उसे भी ग्रेवी में यूज कर सकते हैं। मैंने तो नहीं किया पर आप कर सकते हैं। ये देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा कलर पकड़ रहा है। अब और अच्छा थोड़ा कलर लाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी कश्मीरी मिर्ची डाल देंगे और थोड़ा और ब्लैक पेपर डाल देंगे, और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। देखिए ग्रेवी ने कितना अच्छा कलर पकड़ लिया है। अब हम इसे थोड़ी देर ढक के भूनने रख देंगे। ये देखिए अब हमारी ग्रेवी ने ये तेल अच्छे से छोड़ दिया है। अब हम इसमें देखिए हमारी ग्रेवी ने अच्छे से तेल छोड़ दिया है, और अब हम इसमें ये जो पनीर हमने शैलो फ्राई करा, इसे कलर करा, अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। देखिए अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ये बटर का पीस डाल देंगे थोड़ा, इसे स्पॉन्जी यमी टेस्ट के लिए। ये हमने बटर के 3-4 क्यूब्स डाल दिए हैं छोटे छोटे, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बच्चों को पनीर ग्रेवी की सब्जी बहुत पसंद आती है, और पनीर वैसे भी खाने में बहुत हेल्दी होता है। ये देखिए हमारी पनीर कढ़ाई रेडी हो गई। अब हम इसे धनिए से गार्निश करेंगे। ये देखिए हमारा पनीर कढ़ाई का सब्जी रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यम्मी पनीर कढ़ाई इज़ रेडी।